क्वेश्चन प्रूव दैट साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए प्लस साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए इक्वल टू टू अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए. सो हेयर एल एच एस इज इक्वल टू साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए प्लस साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए. तो इसमें हम सबसे पहले इन दोनों का डिनोमेटर का एलसीएम लेंगे. तो ये होगा साइन ए माइनस कॉस ए इंटू साइन ए प्लस कॉस ए. और इसके एलसीएम को अगर हम इस साइन ए माइनस कॉस ए से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा साइन ए प्लस कॉस ए. और उसको हम साइन ए प्लस कॉस ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा साइन ए प्लस कॉस ए होल स्क्वायर प्लस. उसी तरह से फिर एलसीएम को अगर हम इस साइन ए प्लस कॉस ए से डिवाइड करेंगे तो साइन ए माइनस कॉस ए आएगा. और फिर उसको हम इस साइन ए माइनस कॉस ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा साइन ए माइनस कॉस ए होल स्क्वायर. और अब हम इसके न्यूमरेटर में ए प्लस बी और ए माइनस बी वाले आइडेंटिटी यूज करेंगे. तो इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस टू ए बी. तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस टू साइन ए कॉस ए प्लस. और इसमें ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज होगा. तो ये होगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस टू साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन. और उसके डिनोमिनेटर में हम ये वाला आइडेंटिटी यूज करेंगे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी. इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो ये होगा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए. सो इक्वल टू टू साइन ए कॉस ए और ये टू साइन ए कॉस ए कैंसिल हो गया. और साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए सॉरी इसका साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू वन होती है और इसकी भी वैल्यू वन होगी अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए. और वन ऐड करेंगे तो ये टू होगा टू अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू आर एच एस. हेंस प्रूव्ड.